जय हिंद, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं डीसी ऑफ ए कॉन्स्टेंट मीन्स अचर का अवकल गुणांक। तो हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, जहां C एक कॉन्स्टेंट है, मीन्स नियतांक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी यह एक अचर फलन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मीन्स x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फलन का मान C रहेगा, यानी अचर रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखते हैं, यदि एक्स के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स हो, तो इसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा, लेकिन यहां पर फलन का जो मान है वो अचर है, इसलिए x का मान बदलने से y का मान नहीं बदलेगा, मीन्स y प्लस डेल्टा y भी अचर c के बराबर होगा। लेकिन y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू c एक अचर फलन है, इसलिए y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू c मीन्स x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फलन का मान c रह जाएगा, यानी y प्लस डेल्टा y इक्वल टू c, जैसा कि हमने लिखा किसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा, तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा फलन का मान, बट फलन का मान कॉन्स्टेंट c रहेगा, इसका मतलब हुआ कि y प्लस डेल्टा y बराबर c होगा, ये हो जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो LHS से LHS को और RHS से RHS को, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू c माइनस c, दिस माइनस दिस, प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, मीन्स डेल्टा y इक्वल टू 0। इसके बाद हम दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे देते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा x, मीन्स डेल्टा x से भाग देने पर स्पष्ट है कि डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर 0, जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिवाइडेड बाई एनी क्वांटिटी इक्वल टू 0। अब हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
limit delta extends to zero. Zero. स्पष्ट है कि आपका ये dy by dx होगा according to definition, और ये हो जाएगा आपको जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि dc of a constant is equal to zero, y is equal to c, तो यहाँ y की जगह हम अब constant c रख देते हैं, means dc of constant c with respect to x is equal to zero। तो स्पष्ट है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, माना कि y इक्वल टू 3। स्पष्ट है कि y इज इक्वल टू 3 एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा का समीकरण है। यानी हम ये कहें कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दैट इज द ओरिजिन। अब यदि एक्स एक्सिस के समानांतर हम रेखा ले लें जो x एक्सिस के ऊपर हो, प्लस 3 है तो क्लियर है कि रेखा x अक्ष के समानांतर होगी और x अक्ष के ऊपर होगी। अगर माइनस 3 रहता तो यह रेखा x एक्सिस के नीचे होती, लेकिन यहाँ y इक्वल टू 3 है तो रेखा x अक्ष के ऊपर और x अक्ष के समानांतर। तो y इक्वल टू 3 x अक्ष के समानांतर एक रेखा का समीकरण है। तो स्पष्ट है कि इस रेखा पर हम कोई भी बिंदु लें तो उसका x नियामक बदलेगा लेकिन y नियामक हमेशा 3 रहेगा। यानी ये कहें कि y इक्वल टू 3 मिलेगा आपको। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह अचर फलन है, यानी x का मान हम कुछ भी रखें y के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यदि y इक्वल टू 3 तो dy by dx इज इक्वल टू dc ऑफ कांस्टेंट 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स dy by dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम यह कंफर्म हो जाते हैं कि कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। फिर मिलेंगे अगला रूल बतलाने के लिए अगले क्लास में। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।